तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कड़ी। मटन कड़ी के लिए हमने मटन लिया है और इसमें हमने बहुत सारे प्याज डाले हैं, तो आप अपने हिसाब से प्याज डाल लीजिएगा। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी, गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और मैं इसमें थोड़ी ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का तेल, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, देख ही सकते हैं ये मिक्स कैसे कराया जा रहा है। और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे इसमें उतना ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है मिक्सचर, आप देख सकते हैं मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, इसमें प्रेशर कुकर रख रहे हैं। आधे मैरिनेटेड जो मैंने मीट रखा है वो मैं मीट ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ, तेज़पत्ता, और इसके थोड़े से चला दूँगी। चला के मैं इसे कवर कर दूँगी, कवर करके 4 से 3 सीटी तक के लिए इसे छोड़ दूँगी। पैन में मैंने तेल गरम कर लिया, मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ, तेज़पत्ता डाल रही हूँ, प्याज डाल के इसको ब्राउन होने तक के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, चिली पाउडर डाल के मिक्स करके मैं इसे कवर कर दूँगी। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुकी है, मैं इसमें थोड़े से पानी ऐड करके और इसे अच्छे से पका लूँगी। मैं इसे कवर करके कुछ देर पकाऊँगी। ये प्रेशर कुकर में मैंने जो मीट प्रेशर कुक किया था 3 से 4 सीटी हो चुकी है, आप अच्छे से देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो ये सारे मीट मैं पैन में ऐड कर रही हूँ, इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। इसके जो मसाले हैं मीट में अच्छा फ्लेवर देगी, मैं इसे कवर करके पकाऊँगी कुछ देर। देख सकते हैं आप मीट कितने अच्छे से पक चुके हैं। मैं इसमें मीट मसाला ऐड की हूँ और इसे थोड़ा अच्छे से चला लूँगी। मीट मसाला एक अच्छी फ्लेवर देती है मीट में, तो ये मीट के लिए बहुत अच्छी टेस्टी होती है, ये टेस्ट को ग्रेन करती है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये मीट है ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, ये रेडी है सर्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।